हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही है, अभी 18 तारीख को जो है एचएसएससी ग्रुप डी के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। 4 दिन एग्ज़ाम चले हैं ये, और 8 शिफ्ट में एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। ये अराउंड 22 लाख बच्चों ने जो फॉर्म भर रखा था इसके लिए, और 14 से 16 लाख जो बच्चे हैं वो अपीयर हुए हैं। 60 से 65% बच्चे जो हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। और यहाँ पर वैकेंसी देख लेते हैं, ये 18,218 वैकेंसी थी, काफ़ी वैकेंसी थी, पहली बार ऐसा हुआ इतनी वैकेंसी आई हैं। और उसके लिए इन्होंने 1.2 इंटू जो 1.2 गुना जो बच्चे हैं वो रखे हैं इसके लिए। वेटिंग लिस्ट के लिए भी रखा है इन्होंने प्रोसीजर, 3700 बच्चे हैं जो वेटिंग लिस्ट में रखेंगे ये। और मैं मानता हूँ कि जो 3700 बच्चे जो वेटिंग लिस्ट में आएंगे यहाँ से, इनको सबको जॉब मिलेगी। यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं रहेगा, जो भी वेटिंग लिस्ट में आएगा उसका भी नाम जरूर आएगा जॉब में, क्योंकि जो ये एग्ज़ाम दिया बच्चों ने जो ग्रुप डी का, ये काफ़ी टाइम बाद एग्ज़ाम हुआ एचएसएससी का कोई, तो ये और क्वालिफाइड बच्चे हैं ना, जो मतलब पोस्ट ग्रेजुएट हैं या फिर ग्रेजुएट हैं या फिर अच्छी क्वालिफिकेशन वाले बच्चे, उन्होंने एग्ज़ाम दिया तो वो छोटी पोस्ट को प्रेफर नहीं करेंगे अपने लिए, छोटी पोस्ट नहीं करेंगे वो। कोई भी अगर उनको मिलेगी तो वो छोड़ देंगे उसको, तो वो जो बची हुई पोस्ट है वो इन वेटिंग वालों को मिलेगी। तो निश्चिंत तो रहिए इस चीज़ के लिए कि जो 3700 बच्चे अगर वेटिंग में भी आपका नाम आता है तो आपको जॉब मिलेगी मिलेगी, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, ठीक है। और एग्ज़ाम तो आपको सबको पता ही है कि अकॉर्डिंग टू डी के अकॉर्डिंग तो इतना इजी नहीं था, जिस हिसाब से उम्मीद लगा रहे थे बच्चे कि काफ़ी आसान पेपर आएगा, ग्रुप डी का ये आएगा वो आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। काफ़ी अच्छा पेपर रहा है, मीडियम टू हार्ड बोल सकते हैं हम ग्रुप डी के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो सारा यहाँ से कंक्लूज़न निकाला अपना सारा, यहाँ आस पड़ोस में या इधर उधर अपने सबसे बात करके, यूट्यूब पे वीडियो देख के, वहाँ पे जो आप खुद भी ये चीज़ चेक कर सकते हैं, जो भी कोई भी वीडियो देखोगे आप, वहाँ पे नीचे आप कमेंट्स डालते हैं बच्चे कि मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरे इतने मार्क्स हैं, और वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि बच्चों के मार्क्स इतने नहीं हैं। मेरे ख्याल मैंने यहाँ पर थोड़ा कंक्लूड किया इसके लिए, मतलब निष्कर्ष निकाला है कि 75+ तो मैं ये लगा लो कि 500 से भी कम बच्चों के मार्क्स हैं जो 75+ गए हो गए, 500 से भी कम, ये लगा लो कि 300 या 350 बच्चे ही हैं जो इतना स्कोर करेंगे। वो भी है कि काफ़ी मतलब सीजीएल वगैरह ये अच्छे एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे, इन्होंने सिर्फ वैसे ही दिया एग्ज़ाम, कोई इनका मोटिव नहीं है कि इनको जॉब लेनी है इसमें, वैसे ही दिया, कोई इतना वो नहीं है इनको, ठीक है। ये मुश्किल ही करेंगे, अगर करेंगे तो अच्छी पोस्ट अगर इनको मिलेगी, सिर्फ एक टेम्परेरी टाइप से करेंगे कि थोड़े दिन के लिए करनी है, बाद में हमने तैयारी करके दूसरी जॉब पकड़ लेनी है, इस टाइप से करेंगे, तो इनका कोई इतना रोल नहीं है उसमें। उसके बाद जो है 71 से 75, यहाँ हो सकते हैं बच्चे 1000 से 1500। अगर आप खुद भी ये चीज़ चेक करना चाहो तो आप किसी भी वीडियो देखिए, आप उसके नीचे जो कमेंट मिलेंगे आपको उसमें चेक कर लीजिए, उसमें 10-12% तो फर्जी मिलेंगे बच्चे कि मेरा इतने हैं जी, मेरे इतने हैं जी, ऐसा कुछ नहीं है, इतने मार्क्स बहुत रेयर बच्चों के आए हैं। यहाँ से 71 से 75 के बीच में मिलेंगे आपको 1000 से 1500 बच्चे, ठीक है। मेन जो है रश जो है मेन, जहाँ पे जो बच्चों के मार्क्स हैं वो हैं 55 से 70 के बीच में, ये जो है 55 से 70 यहाँ मेन रश है जो, ये मैंने सबके बताए हैं टोटल ओवरऑल सारी कैटेगरी मिला के, मेन रश जो है 55 से 70 के बीच में है, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई करते हैं इसके अंडर, 55 से 70 के अंडर, ठीक है। ये मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये आउट ऑफ 90 है, ठीक है, आपने ऊपर पढ़ भी लिया होगा, आउट ऑफ 90 बता रहा हूँ मैं, 90 में से जो क्वेश्चन जितने ठीक हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी इन सारी बातों के बाद मैं थोड़ा कंक्लूजन निकाला है मैंने सारी, मतलब ओवरऑल सारा फॉलोअप देख के अपना जो भी है, जहाँ जहाँ से मेरे को डाटा मिला हर एक जगह से कंक्लूड करके मैंने एक थोड़ा निकाला एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कट ऑफ क्या रहेगी। ये मैंने जो मिनिमम कट ऑफ का थोड़ा बनाया है कि मिनिमम नीचे से नीचे कितना रह सकता है, ठीक है। अगर इससे ऊपर आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ हैं, कोई चक्कर नहीं है, आपको जॉब मिलेगी मिलेगी, चाहे कोई भी मिले, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, जनरल अगर आप 63+ अगर आपके क्वेश्चन ठीक हैं तो आपको जॉब श्योरली मिलेगी, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। ओबीसी बी के लिए 60+, ओबीसी ए के लिए 57+, एससी के लिए 52+ और पीडब्ल्यूडी के 42+। और ये जो ESM है, सर्विस मैन वाले हैं, ESM और ESP, ये 40 से 48 के बीच में हैं जो भी हैं, यहीं पर रहेगी इनकी कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली, क्योंकि ये बहुत कम बच्चे होते हैं पीडब्ल्यूडी के भी और इसके भी, ठीक है।
अब थोड़ा एक रूमर चल रहा है यार मार्केट में कि वैकेंसी इंक्रीज होंगी, ये होगी, लेकिन इसका मेरे को कोई पक्का प्रूफ मिला नहीं है अभी तक। मैंने काफ़ी जगह सर्च किया है, मैंने बात भी की एक दो जगह, लेकिन कोई पक्का मेरे को इस चीज़ का प्रूफ मिला नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ बढ़ सकती है, या तो क्या करेंगे HSSC वाले, जो आपका ये एग्ज़ाम हुआ है इसी में वेटिंग लिस्ट को बढ़ा के वैकेंसी बढ़ा देंगे और इसी में ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसा भी होता है क्योंकि सेंटर के एग्ज़ाम है कहीं वहाँ पर होता है, वो अपना एक्चुअल जो वैकेंसी वो शो नहीं करते, टेंटेटिव वैकेंसी शो करते हैं, बाद में उसको क्या करते हैं बढ़ा के फाइनल लिस्ट लास्ट में निकालते हैं। शायद ये भी HSSC वाले भी रिवाइज़ कर दें कि 18,000 को 30,000 कर दें ये वैकेंसी जो है, तो यहाँ पे जो कट ऑफ आपकी 5 से 7 नंबर नीचे चले जाएगी। जितनी मैंने दिखाई है ना ऊपर, उसमें अगर 30,000 होती है यहाँ पर वैकेंसी, तो 5 से 7 नंबर और कम कर लीजिए इसमें। लेकिन ऐसे कोई मेरे पास पक्का प्रूफ नहीं है इस चीज़ का कि ऐसा होगा, अगर हुआ तो ये होगा, नहीं तो ये क्या करेंगे इसको, इनको ज्वाइन करवाने के बाद दोबारा आपके जो है ग्रुप डी के फॉर्म दोबारा निकाल लेंगे, दोबारा 12 से 13 हज़ार वैकेंसी निकाल लेंगे, दोबारा एग्ज़ाम लेंगे और उनको दोबारा ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, तो इस चीज़ का कोई मतलब अभी भी फाइनल नहीं है कि क्या होगा, लेकिन अगर होता है, अगर यहीं पर ऐड होती है, तो 5 से 7 नंबर आप कम करके चलिए यहाँ से, ठीक है, जो भी आपके ऊपर कट ऑफ दिखा रखी है मैंने, ठीक है। और अभी थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए थैंक यू, और लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा प्लीज़। सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, थैंक यू।